नागपुर के संविधान चौक में वंचित बहुजन आघाड़ी ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। इसमें भी सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है, इसीलिए नागरिकों को अधिक पैसा देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय डेयरी और कृषि उत्पादों पर जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है, जो अब तक कर मुक्त थे। इसीलिए जब से महंगाई और बढ़ी है, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मांग की जा रही है कि अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रद्द किया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये जन आक्रोश मोर्चा आज जो निकाला गया है, उसका कारण भारत सरकार ने जीवनावश्यक जीएसटी ऐसी चीज है कि जिसके वजह से पहले सारे व्यापारी इस भारत के परेशान थे, लेकिन अभी ये भांडवलवादी मोदी सरकार का मोर्चा स्कूली विद्यार्थी, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग यानी उनको लगने वाली रोजमर्रा की चीज़ें जैसा दाल, तेल, अन्न, धान्य, साहित्य, इस पर भी जीएसटी लगा दी गई। उसी तरह गरीब विद्यार्थी पेन, पुस्तक, वही कॉपी, इस पर भी जीएसटी लगाई गई। तो आज इस देश का तमाम गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, हाथ पे लाके रोज थाली में खाने वाला कामगार, ये सबकी बड़ी बहुत मुसीबत में आ गए हैं ये लोग। तो ये सरकार इस आज के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को जो मारने का प्रयास कर रही है, जिनकी शव यात्रा निकालने की प्रयास कर रही है, तो ऐसे जीएसटी लगाने वाले सरकार को ही, सरकार की हम लोग यहाँ शव यात्रा निकालने को यहाँ इकट्ठी हुई है, और उनकी शव यात्रा निकाल कर जीएसटी लगाने वालों की हम लोग वैरायटी चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक धड़क देने वाले हैं, और कुछ हमारे प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पे जाएगा। अगर ये जीएसटी यही थमती नहीं है तो पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जब तक हमारी मांगें पूरी होती नहीं, उसी तरह भारत की राजमुद्रा जो है, जो ओरिजिनल थी सम्राट अशोका के ज़माने से या बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखने के बाद बनाई गई जो राजमुद्रा थी, उसको यहाँ के जातिवादी मनुवादी सरकार ने बदल दिया है, इसका विद्रूपीकरण किया है। इसके लिए वो राजमुद्रा पूर्ववत लगाई जाए, जो नए संसद भवन के सामने लगाई है, ऐसी हमारी डिमांड है। इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का ये विशाल मोर्चा यहाँ पे आया है। आमचा मुख्य विषय हा म्हणजे आहे की केंद्र सरकारने, ह्या देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने सर्वसामान्य जनतेला जगू देण्याचा अधिकार जो संविधानाने आम्हाला दिलेला आहे, तो यांनी हिरावून घेतलेला आहे। जो व्यक्ती इथं जन्माला आला त्याला जगण्याचा इथं अधिकार आहे, परंतु ह्या नरेंद्र मोदींनी त्यांना जगण्याकरिता त्यांना आवश्यक लागणाऱ्या सर्वसामान्य सर्व वस्तूवरती पण त्यांनी जीएसटी लावलेली आहे। याच्या व्यतिरिक्त हा जगातला एवढा पहिला देश, भारत देश एवढा विकसित देश झालेला आहे की जगातला पहिला देश आहे ह्या देशामध्ये शालेय पाठ्यपुस्तकाच्या साधनावरती, साहित्यावरती पण जीएसटी लावलेली आहे। याचा अर्थ की इथल्या बहुजन समाजाच्या लोकांनी, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेऊन पुढे वाढू नये। आम्हाला बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की जो शिक्षण घेईल तो गुरगुर करेल, म्हणून शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते आम्ही प्यायलंच पाहिजे। ते आमचे संवैधानिक अधिकार आहेत, परंतु इथल्या शासनाने आमचे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि इथल्या जीएसटी सर्व वस्तूवरती जीएसटी लावलेली आहे, दिवसेंदिवस इथल्या इंधनावरती भाव वाढलेले आहेत, सर्व महिला ह्या सर्व त्रस्त झालेल्या आहेत की शेवटी सर्व आम्ही बहुजन प्रायव्हेट
क्षेत्रात कार्य करणारे लोक आम्ही रोजचं हातावरती हिंसेने पान हिंसेने आम्ही खाणारे लोक आहोत आणि जीवन जगणारे लोक आम्ही शिक्षण कसं करायचं, लेकरांचं भविष्य कसं आम्ही पुढं करायचं, जगायचं की मरायचं, ह्या केंद्र सरकारच्या ह्या GST नियमांनी आणि या इंधनावरती दरवाढीनी इथल्या सर्व बहुजनाची पूर्ण पिळवणूक केलेली आहे. सर्वांना एकच प्रश्न आहे की केंद्र सरकार आम्हाला जगू देणार आहे की जिवंतपणीच आम्हाला मारणार आहे. आणि म्हणून आजच्या त्यांच्या विरोधात आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. आणि आता लगेच अगर एवढी पण आमची बिलकुल ताकीद आहे केंद्र सरकारला की केंद्र सरकारने वंचित बहुजन आघाडीची ही मागणी अगर मान्य केली नाही तर अख्खा महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण भारतभर आम्ही आंदोलन करून अख्ख्या भारताला आम्ही चितळवून ठेवू आणि केंद्र सरकारला आम्ही गड्ड्यात गाठल्याशिवाय वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते हे राहणार नाही. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.